अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जुम्मा मुबारक आपको। आज का दिन जुम्मा है, सुबह के 11 बज रहे हैं। मार्केट अपडेट्स के हवाले से मैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव हूँ। आज बड़ा क्विक सा सेशन करूंगा क्योंकि फ्राइडे है, जुम्मे के दिन सबको नमाज के लिए तैयारी भी करनी है। तो जल्द जल्द हम लोग जो है क्विकली जो है आज का सेशन करेंगे। वोंट बी लॉन्ग, तो दिस इज गोना बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव से ज्यादा ये बहुत ज्यादा एक ऐसी चीज होगी जो मार्केट का ओवरव्यू आपको मॉर्निंग के हिसाब से दे देगा। फिर शाम में अगले सेशन में सुहेल भाई, असद भाई भी अवेलेबल होंगे, तो वो भी आएंगे। वो आपको जो मैं सवालों के जवाब ना दे सकूं, वो सवालों के जवाब वो जरूर देंगे। बाकी ये है, अल्लाह भला करे आपका। व्हाट डू वी हैव हियर, कम ऑन ब्यूटी सी। अच्छा जी, ओके ओके। जैसे कि आपने देखा हो, कल ये वाले लेवल्स हिट हो रहे थे, एंड देन ऑब्वियसली दिस इज डे चार्ट एक्चुअली, सॉरी माय अपोलॉजीज। अच्छा खासा ये 57 तक आया था, देन इट पंप बैक इटसेल्फ अगेन टू 62,587, एंड देन यहीं पे ये रोम कर रहा है। मुझे जहां तक मैंने आपको बताया था, जब ये 58 के ऊपर था, मैंने कहा ये 58 और 64 के दरमियान आपको नजर आ सकता है, जो कि एविडेंटली अभी वो ही हो रहा है। आई थिंक ये स्लोली ग्रेजुअली इट विल कंटिन्यू टू क्लाइम अंटिल अनलेस कोई बहुत ही एक्सप्रेसिव सी न्यूज आ जाए जो उसको नीचे खींच के ले आए। बट ओवरऑल ये 58 और 64 के दरमियान होगा। एल्टकॉइंस थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेंगे, जैसे कि आपको याद हो बीटीसी की डोमिनेंस चेक कर लेते हैं। बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो नीचे आ गई है, विच इज ए गुड थिंग। ये अच्छी चीज है क्योंकि फिर इससे एल्ट कॉइन्स ब्लीड नहीं होंगे और अदर्स डोमिनेंस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम दोनों सिचुएशन में अच्छे हैं। ये 15 के ऊपर आ गई है। इफ दिस कंटिन्यूज टू क्लाइम, इफ दिस कंटिन्यूज टू क्लाइम एंड वी सी दिस अराउंड 15.44 और अबव, एल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें रैली आपको नजर आ सकती है। अच्छा, फॉर स्टार्टर्स एलिस की कल मैंने ट्रेड दी थी आपको। एलिस वाली, एलिस अभी ट्रेड कर रहा है 12 पर। मैंने आपको 11 11 से दिलाया था और मैंने बोला आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो चाहो तो। तो अभी 12 15 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ इस रेंजेस में मैंने आपको दिलाया था। तो जिन जिन लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया है, बहुत मुबारक हो आपको, आपने पैसे कमाए होंगे। और क्या कहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, यही होता है। मेंशन भी कर दिया करें क्योंकि आपको कोई मैं ट्रेड देता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी कोई भी ट्रेड पर स्टॉप लॉस नहीं हट हुआ है। अगर मैं स्टॉप लॉस देता भी हूँ तो वो देता हूँ वहीं से जहां से एंट्री होती है, ताकि आप रीबाय कर सको नीचे से भी। ठीक है जी, तो मुबारक हो आप लोगों को। 11 11 के ऊपर आपको एलएस दिलाया था मैंने, और एलएस अभी 12 13 के ऊपर चल रहा है, तो यू शुड ऑल बी इन प्रॉफिट। आप सबके सब प्रॉफिट में होंगे। आज की ट्रेड अभी मार्केट के हवाले से ट्रेड में अभी आपको देखता हूँ। मैंने आपको दो तीन ट्रेड दी हुई है, वही वैलिड है। अगर आपको याद हो कल मैंने आपको ये 3.6 से दिलाया हुआ है, ये $4 टच करके आ गया है। मैंने इसका टारगेट जो दिया हुआ है 4.42 दिया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। 4.42 इज इजीली अचीवेबल अगले 2 से 3 दिन के अंदर, जो है मुझे लगता है ये हिट हो सकता है। तो आपको कल जो ट्रेड दे दी है, अभी की ट्रेड फॉरन लेना जरूरी नहीं है कि आप अभी फॉरन के फॉरन ट्रेड लो। एलिस ने बड़ा अच्छा पंप लिया आज। एलिस यहां से उठ के 17% पंप लिया था, तो जो लोग फंसे हुए थे अगर उन्होंने एग्जिट कर लिया, वेल एंड गुड। ऑडियो का ट्रेड कर रहा है, ऑडियो ने भी अच्छा लिया है। ऑडियो आई थिंक इजिली ये वाली रेंज हिट कर सकता है 2.212। उसके अलावा एलटीसी इज डूइंग गुड, 184 के आसपास वही चला गया है। रूइन 13 के ऊपर आ गया, रूइन इज गोइंग गोइंग वेल अगेन। रूइन कैन इजिली गो टू 15 $15 पे नजर आ सकता है। रूइन एलएस आपको $14 पे नजर आ सकता है। एमबॉक्स 4442 मैंने आपको बताया हुआ है। KSM 370 पे है, वो स्टक हो गया है इस लूप के अंदर। आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये फॉरन के फॉरन निकलेगा, इसमें 2 4 दिन लगेंगे, देन वी कैन सी दैट गो बैक, गोइंग बैक अप। ठीक है जी। इथेरियम का एक भाई पूछ रहे थे मुझे, इथेरियम जो है इथेरियम 4326 का चल रहा है। इथेरियम ने काफी अच्छा क्लाइम किया है, 4400 दोबारा मार किया है अपना ऑल टाइम हाई जो है इसका। लेकिन इफ वी कैन सी 4400 के लेवल्स टूटना जरूरी है, 4400 वाले फिर 4600 में हम जाएंगे, जो कि मुझे लगता है इस वीकेंड टूट सकते हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल के लिए ये मार्केट में करंट सूरत हाल चल रही है। इथेरियम क्लासिक जो है उसको भी देख लेते हैं। मैंने इथेरियम क्लासिक एटीसी, इथेरियम क्लासिक जो है
$52 पे चल रहा है। एथेरियम क्लासिक 54 पे आया था, आप चाहते तो दोबारा एग्जिट कर लेते हैं 54 से, आपकी बाइंग कराई भी है। मैंने 60 का इसका टारगेट दिया हुआ है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैंने स्टॉप लॉस भी बताया था इसमें अगर, और मैंने ये भी ऑल्सो बताया था कि 56 के ऊपर था आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये अगर आपने होल्ड करना है 60 तक होल्ड कर सकते हो उसे। सन के बारे में बता दें, सन का मुझे नहीं आइडिया, मैंने इसके ऊपर वर्किंग नहीं की है तो मैं आपको इस चीज का जवाब नहीं दे सकता। एक्सेस अच्छा है, शिप का जो है, शिप का एज प्रेडिक्टेड जब मैंने आपको ये बताया था, शिप इज लुकिंग गुड। यहाँ पे एक फ्लोर बना रहा है यहाँ पे 62 के आसपास, अगर ये आपको 57 वाली रेंजेस में यहाँ मिल जाए कहीं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक फ्लोर है, या बाईस आहिस्ता फ्लोर बनेगा, देन इट कुड टेक अनदर शूट अप विच लुक्स हाईली अनलाइकली राइट नाउ। अगर आप कंप्लीटली मुझसे पूछे, लुक्स हाईली अनलाइकली, बट देन अगेन गुड थिंग्स कैन हैपन इन क्रिप्टो। अच्छा, जाते जाते आपको एक और टारगेट दे दूं, SLP आप ले सकते हो, SLP यहाँ ले सकते हो 647 के ऊपर, अगर चाहो तो ले लो। 647 के ऊपर आपको मिले तो आप ले सकते हैं ऐसे। ये यहाँ से लिएगा, 710 तक बेच दिएगा, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है 8 तक होल्ड कर सकते हैं उसको। SLP की ट्रेड दे दी आज मैंने आपको। रीफ लीना कॉम का रेजिस्टेंस यार, कॉम 338 पे रेजिस्टेंस इसका। अच्छा, एडा भी दिया था कल मैंने, मैंने बोला आप कार्डानो ले सकते हो, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इट कैन स्टिल गो। कार्डानो जो है 199 पे चल रहा है, कार्डानो गया था ये 2.5 तक। आई वुड एक्सपेक्ट कार्डानो इस रेंजेस में मिल जाए 190 वाली तो वेल एंड गुड है, 164 पे मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। कार्डानो हो गया, एमबॉक्स हो गया, आई थिंक डोज कॉइन में पंप आएगा। डोज कॉइन बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डोज 23 से उठ के 33 सेंट तक गया था, ये 28 की रेंज में अगर यहाँ मिले आपको तो आप ले सकते हो 28 वाली रेंज में, और फिर ये 33 तक बेच देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डोज में पंप्स आ सकते हैं, ठीक है जी। नियो बड़ा अच्छा हो गया, नियो मैंने कल 40 के आसपास था, मैंने बताया कि इट्स इन अ गुड एरिया, यू कैन स्टिल पिक इट अप, एंड नियो इज बीन परफॉर्मिंग वेल। तो नियो में मुझे लगता है एक ब्रेक थ्रू आएगा, ये 48-54 तक जा सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, लिंक को अगर हम देखें, लिंक 31 पे चल रहा है, लिंक अगर आपको 28 या इसके आसपास कहीं मिले तो 27-28 के पास इट्स इन ए गुड बाय जोन, ठीक है जी। तो ये हमारे कॉइन्स हैं। आज की स्कैल्पिंग क्या है, आज की स्कैल्पिंग है SLP ले सकते हो आप 0.0647 से, इसको आप सेल कर देना 0.0710 पे, ठीक है। SLP में आप कर सकते हो, ये है आज का स्कैल्प। जरूरी नहीं है कि आज का स्कैल्प लो, क्योंकि कल आपको इतनी सारी मैंने ट्रेड्स दी हुई, एमबॉक्स दिया हुआ है आपको मैंने, एमबॉक्स में इजीली यू आर ओवर व्हाट 10% प्रॉफिट में हो गया, 360 से आपको दिलाया मैंने। AXS ने बड़ा अच्छा पंप लिया 126 से, इट्स गॉन डाउन टू 147। AXS अगर नीचे मिले आपको यहाँ पे दोबारा इस रेंजेस के अंदर, ये जो फ्लोर है, तो आप इसको रीबाय कर सकते हो, ठीक है जी। चना मेरे भाई न्यू कमर बैजर का बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है, आज आई हैव समथिंग रियली इंपॉर्टेंट कमिंग अप, प्लीज प्रे, ठीक है। जो मैंने दुआ करिएगा कि मैं कामयाब हूँ उसमें। बैजर जो है वो 26-32 का चल रहा है, आई थिंक बैजर $25 तक में मिले तो इट्स वेल एंड गुड, जो कि आएगा इजीली आ जाएगा, तो बैजर आप $25 में ले सकते हो, एंड देन यू कैन वेट अराउंड सेल इट अराउंड $31, ठीक है जी। बैजर का ये हो गया मेरे भाई। बाकी है कि जो जो मुझसे मिलना चाहता है सिडनी में, जो लोग मुझे कहते हैं मुलाकात के लिए कहते हैं, मैं आज रात हूंगा स्टार स्पोर्ट्स बार के अंदर, वहां पे पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच देखूंगा, अगर वहां हो तो आके सलाम कर लेना, सारिम सारिम बोल देना, मैं आके आप लोगों से मिल लूंगा। तो बाकी उसके अलावा आई होप पाकिस्तान आज रात को जीते, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम, रियली एक्साइटेड। मेरी आवाज भी ठीक हो गई है, ऑब्वियसली मेरी आवाज खराब हो गई थी ओवर द वीकेंड, एंड यू नो स्लो स्लो रिकवर्ड बैक। जजाकल्लाह खैर असवर भाई, प्लीज दुआ करिएगा जुमे में, प्लीज 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 दुआ करिएगा। लिंक में प्रॉफिट में हूँ, सेल कर दूंगा। अपना स्टॉप लॉस लगा लो एंट्री के ऊपर। लूना 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 तो बहुत अच्छा है यार, लूना मैंने बताया भी अच्छा है, $50 तक जाएगा। FTM की बाय जोन, FTM बता रहा हूँ, FTM 296 का चल रहा है ब्रो, FTM नीचे आया हुआ है, आई एक्सपेक्ट कि और नीचे आएगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये नीचे आएगा। आई डोंट थिंक ये कंटिन्यूसली क्लाइम करेगा, ये नीचे की डिक्लाइन की तरफ है, ये अभी रेजिस्ट होगा, अगर इसकी बाय जोन बननी है तो 240 तक अच्छा है,
शुड आई जी होल्ड करने, होल्ड कर सकते हैं, बता दिया एफटीएम, एफटीएम बता दिया, ऑडियो का बता दिया मेरे भाई, बता दिया मेरे भाई, बता दिया। ऑडियो यहाँ ले सकते हो मेरे भाई, ये वाली रेंज में ले सकते हो, 199 189 वाली रेंज है, ठीक है जी। बाकी एसएलपी मुझे लगता है ये वाला बैरियर तोड़ेगा बहुत जल्द, और एसएलपी को आप इस रेंजेस में दोबारा पाओगे, ये मैं आपको बता दूं। तो जिन लोगों ने एसएलपी होल्ड किया हुआ है तो सही होगा, कल ठीक है ना, कल परसों छुट्टी है, मंडे को आऊंगा। आज का स्कैल्प एसएलपी था, लेकिन आई डोंट थिंक वो हिट होगा क्योंकि वो बहुत नीचे है, अब 0.0647 के ऊपर है, अभी 0.0670 हो गया है, तो आई डोंट थिंक के वो वाला आप लोग ले सकते हो, लेकिन अगर वो उस रेंज में आए तो आप ले लेना। शिप थोड़ा नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है मेरे भाई, कोटी अच्छा कॉइन है, COTI, कोटी इज गुड। Coty is doing well, yeah. Coty is actually doing 58 cent from 46. This is a pretty good pump. I would expect Coty to be. This range is mein acha hai, 52 mein acha hai. Agar mil jaye to. Baki ye hai ki aaj ka session main bada chota sa kar raha hu. To maazrat chahta hu uske liye. Kyunki mujhe kahin hona hai thodi der mein, pahunchna hai aur traffic bahut hoti hai. To isliye main और जुम्मे का दिन भी है तो इसलिए मुझे पता है, अंदाजा है लोगों को जुम्मे के लिए रेडी भी होना है। एटम 38 का चल रहा है, अगर एटम 35 33 तक मिले तो आप ले सकते हो, उसको अक्यूमुलेट कर सकते हो। बीटीसी की रेजिस्टेंस आपको पता है ये है, अगर ये वाली रेजिस्टेंस टूटती है देन विल कंटिन्यूसली क्लाइम, लेकिन अगर बीटीसी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है और उसकी डोमिनेंस नीचे आई हुई है तो एल्टकॉइंस पंप होंगे, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है जी। बाकी है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन मुलाकात मैं करूंगा आपसे, और जो है अपनी ट्रेड्स बुक करते जाएगा, और प्लीज 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 मुझे टैग करिएगा अपनी जितनी भी सारी की सारी जो आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, प्लीज करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला लजीज मंडे वाले दिन मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।